हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूंगी भाई सब के सब ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है थारा मेरे एक और ब्लॉग में भाई। ओ पाप वार्ड लग गया एकदम। तो भाई टाइम 4 बज गए हैं। मना सोची क्यों ना मैं खबर लोग भी बना लू भी, थोड़ा बहुत आराम करके उठ ली हूँ। तो सबसे पहले भाई मैं फ्रीन में निकाल लूँ बर्फ, जो कि मेरे पैर में हो रहा है घना दर्द। एडी है जो वो रखी नहीं जाती है। इसने सीखूंगी दिखाऊंगी, थर तक सूजी पड़ी है, समझ में नहीं आती क्या करूं। ये देखो देख रही है किसी ने, ये यहाँ पर तक सूज रही है, ये बिल्कुल क्लियर देख रही होगी। समझ में नहीं आती इसमें करूँ कि पैर ना नीचे अंदर आ जाता, बिल्कुल न्यारी निकल रही है। और इसमें पेन है जो कर गुमड़ी में रैद सी नहीं हो जाया करती, उस तरिया का हुआ है। डेली बर्फ तो सेकना पड़ा ये पैर। तो ये बात 10 घंटा सेकूंगी इसने, जब जाकर चालन की होंगी। बर्फ के साथ तो सेक का इसने फिर मैं अपना काम करूंगी भैया आगे का, क्योंकि 4 बज गए, 4 बजे हो जाएगा दार दूर काटनी, 4:30 बजे ही निकाल लूंगी। इतना 10 घंटा पैर सेक लूँ, गोबर गेर कान वो भी गेर कान की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पैर में इतना दर्द है घना ज़्यादा। और बारिश का हो गया भाई मौसम, एक बार तो डेली आ लिया बारिश। इस ना बर्फ के साथ सेक लूँ तो थोड़ा बहुत आराम तो मिला है इसमें सेक के, तो पता नहीं क्या बात है ना सेकू तो भाई मतलब चल भी ना जाता। एक बीमारी हो जाए ना शरीर में, 1000 हो जाए अगर, पता नहीं क्यों रहा है। कदे कीती दर्द कदे कीती ओ रहा हुआ है, पता नहीं भाई मेरे साथ है या प्रॉब्लम हर एक लेडी गेल हो रही है। तो जिसने पूछो इन्हों को होगा कि मेरा नूह हो रहा, मेरा नूह हो रहा है, सही तो कोई कोने है। तो ये पहले सेक लिया इस पैर ने, फिर मिलेंगे। तो भी कल सी मैं था मैंने ये सूट इसकी कमीज का गला बना दिया था, फिटिंग मार दी थी और सलवार की जोड़ दी थी कल ही। तो आज सोच रही हूँ भी इसमें 4 बजे तो इतना 4:30 तो ही वो कर दी बेल्ट घेर दूँ, क्योंकि पैर तो मैंने थोड़ा ही सेकया, बर्फ का डला ज्यादा मोटा था इतना, मखा पानी हो जाएगा इतना भाई बर्फ पिघलेगा ना, क्योंकि वैसे तो ज्यादा टाइम लग जाता उसमें, फिर टाइम था नहीं मेरे दो रहे। तो मन सोची क्यों ना मैं इतना वो कर लूं सूट सील लूं। तो भी इतने बेल्ट घेरेंगे भाई, तो भी मैंने बेल्ट है जो घेर दी है सिर्फ मेरा लग गया है 1/2 घंटा, और बेल्ट है सलवार में बढ़िया तरीके तक पड़ जा हुआ है। पहले मतलब नीचे बेल्ट घेरूँ फिर इस बेल्ट पर जोड़िया करूँ, ये चुन्नट नीचे घेरूँ मतलब कि फिर इस पर जोड़ूँ, तो इस तमन आसानी लग गया है और 1/2 घंटा लग गया इसने करण में, सिर्फ 1/2 घंटे। तो ये बैठी आज कल बैठी थी 1.5 घंटा, तो इस सलवार का तो रह गया पहुँचा का काम, कोई चूड़ी नहीं पह रही मेरा हाथ जल गया था, चाहे कुछ औखा सारा यू गाहा हो रहा है, अब तो आराम है। तो ये मशीन ना दर्द देवेंगे कल ना संभालेंगे, ये हो गया। तो ये हो गया अपना 12 का टाइम, 4:30 हो गए हैं
और तो साढ़े चार तो मतलब लगभग 5:30 ते ही तो डांगरा के काम में लगेगा पूरा जुट्टा। तो भी गाँव में तो इतने काम हो जाओ हैं, जब ये तो मैं सूट मतलब इस महीने मैं लाग तो जाऊं सिमण, जब जाकर मेरे 2-4 सूट पूरे हुए हैं। जम्फर का भी भाई फिटिंग मार रखी है और बाजू रहरी लानी, मोड़ भी जल्दी नहीं, ऐसे सूट होना जल्दी सी लै हैं, इन सीमण में ज्यादा टाइम लगता कौन है, क्योंकि कॉटन होगा भी अपने आप सेट हो रहा है, कोई दिक्कत ना आती। हो गया अपना धारा का टाइम, 4:30 हो गए हैं और तो 4:30 तो मतलब लगभग 5:30 ते ही तो डांगरा के काम में लगेगा पूरा जुट्टा। तो भी गाँव में तो इतने काम हो जाओ हैं, जब ये तो मैं सूट मतलब इस महीने मैं लाग तो जाऊं सिमण, जब जाकर मेरे 2-4 सूट पूरे हुए हैं। जम्फर का भी भाई फिटिंग मार रखी है और बाजू रहरी लानी, मोड़ भी जल्दी नहीं, ऐसे सूट होना जल्दी सी लै हैं, इन सीमण में ज्यादा टाइम लगता कौन है, क्योंकि कॉटन होगा भी अपने आप सेट हो रहा है, कोई दिक्कत ना आती। तो भाई मेरा 2-3 दिन की क्लिप मिलाकर जब व्लॉग बना था, क्योंकि एक दिन में पूरा हो गया कौन है दिखाया जाता है कौन, तो मेरे इतने सारे कपड़े पड़े थे बिखरे, जो कि मैंने प्रेस करके 2-3 दिन हुए, दो दो का तो गिर दी, प्रेस करे बिना रह जाते, फिर इन सारे मकान ने प्रेस कर दी इनका एक बार, क्योंकि इन्हें तो नुए पड़े पड़े भी भूडे लग कुर्सिया पर ईसा हो है, दो का नुए धरे जाव ही, एक तो बारिश होया जाओ, बारिश के मौसम में कदे बार कदे भीतर तो यो काम रवे है, कपड़े लगातार मतलब एक उस तरह सूख नहीं पाते, लगातार नहीं सूख पाते, कोडे हो बारिश आ जाए फिर इन्हें भीतर गेरो तो स्मेल सी बने जावे है, इस वजह से थोड़ा काम भी ज़्यादा रहवे है। तो भाई ये है मेरी कुछ और मतलब रक्षाबंधन से पहले वाले दिन की क्लिप, तो सार्थक का राखी बांधना थी उसकी छोटी सी बेबे, तो मैं थोड़ी सी क्लिप निकाल ली थी भाई, मैंने यार मेरी बेटी घनी प्यारी लग गया करे। हेलो जी, राम राम, कैसे हो आप सब, उम्मीद करूँ कि भाई सब के सब ठीक ठाक हो गए, तो स्वागत है थारा मेरे एक और नए व्लॉग में भाई। तो सबसे पहले आज सब ने हैप्पी रक्षाबंधन, तो आज है रक्षाबंधन और सोमवार भी है, सावन का लास्ट और पूर्णमासी भी है, तो भाई सावन के व्रत रहा करते हम के मतलब मैं तो ये आज पूरे सामने तो मतलब मंदिर में गया नहीं गया, तो आज सोच रही मंदिर में जाया हूँ और केले क्याले भी चढ़ाया हूँ, तो ये मैं मंदिर में जाऊँगी, तो उसके लिए मैं अपना सामान है जो रेडी कर लूँ, जो जो मैंने लेकर जाना। सार्थक खड़े हो ले भाई, टाइम भी 8 बज गए हैं, मैं अपनी टोकरी में लेकर जाऊंगी अपना पूजा का सामान सारा। तो भी मैंने अपना ये सामान जो ये धर लिया, केले रपिए जोत और इसमें ले लिया थोड़ा दूध, तो सिंपल है, बाकी भाई केले कराने के बाद दे देंगे, कादा बाट बूट देंगे। तो भी बस 2-3 दिन की क्लिप मिला के इतना ही व्लॉग बनया, कहा तो था मैंने सार्थक तो भी मंदिर में चल लेंगे, फोन भी दिया उस तक, लेकिन उसने इतनी शर्मावे है वो लेंदा नहीं की थी कि क्लिप तो व्लॉग की चला गया, जरूर बता दे, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करियो, धन्यवाद भाई।